हे व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सिद्धि गली और आप देख रहे हैं टेक्नो वीडर्स। तो व्यूअर्स, पिछले वीडियो में मैंने कहा था, 7 नंबर पॉइंट पर आता हूं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। पॉपलाइन एक ऐसा प्रोडक्ट है, दोनों तरफ मेटल शीट होने के कारण ये अपने आप में बहुत स्ट्रेंथफुल होता है। इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। आप लंबाई पे कोई भी साइज ले लीजिए, 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट, 20 फीट तक ये आराम से रह जाता है। ये इतना स्ट्रेंथफुल होता है। अगर पप पैनल के ऊपर आप खड़े हैं तो एक पप पैनल के ऊपर तीन मीटर लंबा या 10 फीट लंबा एक पप पैनल के ऊपर अगर आप 3 लोग या 4 लोग भी खड़े होते हैं तो कुछ नहीं होता। इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है। तो पप पैनल का मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी का प्रैक्टिकल प्रूफ करने के लिए आज हम लोग एक रनिंग साइट पर आया हुए हैं। तो व्यूअर्स, आज मेरे पीछे जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये जो पैनल है ये 5 मीटर 440 लंबा है, जो लगभग 18 फीट आता है, और चौड़ाई पे 1 मीटर है, और इसका जो थिकनेस है ये 60 mm मोटा है, और इसका दोनों तरफ PPGI के शीट हुआ है। तो भी बस इसी के ऊपर आज 4 लोग या 5 लोगों को चढ़ा कर देखेंगे कि ये कितना बेंड होता है। तो व्यूअर्स, आपने देख ही लिए होंगे कि एक एक करके इस पैनल के ऊपर 5 लोग चढ़े हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखिए आप, जो कुछ भी नहीं हुआ, हल्का सा जो ज़्यादा लोड होने पे हल्का सा जो कर्व हुआ था, लेकिन जैसे ही वो लोग उतर चुके हैं तो वो फिर से ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वो हर एक बात को प्रैक्टिकली प्रूव करने की कोशिश करूँगा रनिंग साइट पर आके प्रैक्टिकल विजिट करके। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और कोल्ड स्टोरेज पंप पैनल ये सब के बारे में डिटेल्स पे जानकारी रखने के लिए या देखने के, आप बने रहिए हमारे साथ और रहिए, देखते रहिए टेक्नो फिटर्स।